90 रुपए महीने की सैलरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शख्स को अगर 4000 करोड़ का ऑफर मिले और वो उसे ठुकरा दे तो क्या कहेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सिर्फ अपने व्यवहार के दम पे बड़ी बड़ी कंपनी MNCs को पटकनी जो दे दे उसको क्या कहेंगे आप, जिन्होंने पिछले साल 3000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर अचीव किया और ये टर्नओवर कोई सोना चांदी बेच के नहीं तो चिप्स और नमकीन बेच के किया। तो आज बात करेंगे सुल्तान ऑफ वेफर्स के टाइटल से सम्मानित बालाजी वेफर्स की और उनके फाउंडर चंदू भाई वीरानी की। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जो ये मानता है कि सफलता संघर्ष और साफ नीयत से मिलती ही मिलती है, और इस वीडियो में आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जबरदस्त स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो वीडियो अंत तक देखना अगर आप चाहते हैं कि भीड़ भाड़ भरी दुनिया में जहाँ एक ही चीज को बेचने वाले हजारों लोग हैं, अपन इस भीड़ में अलग कैसे हटे, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बहुत खुशी की बात शेयर करना चाहूंगा। आपको याद है लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो किया था ऐसे बनते हैं ब्रांड्स के ऊपर, जहाँ पे मैंने संजीव जुनेजा जिन्होंने केश किंग, डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा जैसे ब्रांड बनाए उन पे केस स्टडी की थी। उस केस स्टडी में बहुत सारे ब्रांडिंग मार्केटिंग के लाइसेंस थे और जिस व्यक्ति ने सुना, जिस बंदे ने सुना, कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार मिला। जो लोग मुझसे मिले उन्होंने कहा बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन सबसे बढ़िया ग्रेटिट्यूड मोमेंट मिले वो रहा जब संजीव जुनेजा जी का खुद मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने उस कंटेंट की, उस केस स्टडी की काफी तारीफ की और उन्होंने कहा कि राहुल जी जो आप छोटे बिजनेस पे इनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो संजीव जुनेजा जी की इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ, बहुत प्राउड फील किया। लेकिन एक चीज मैंने उस दिन दिमाग में आई कि यार एक लोकल हीरो की मैंने कहानी सुनाई और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो क्यों ना बाकी लोकल हीरोज की भी कहानी सुनाई। अंबानी अडानी टाटा की बहुत कहानियां सुनाई है, आगे भी सुनाऊंगा, लेकिन जो रियल इंस्पिरेशन है वो मिलती है एक छोटे व्यक्ति से कि यार ये जीरो से 10-20 हजार करोड़ भी पहुंच गया, कैसे पहुंचा यार। तो भैया जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोकल हीरो की केस स्टडी आने वाली है। कजारिया, MDH, गोल्डी मसाले, धर्मपाल सत्यपाल, पीडीलाइट, हैवेल्स, ऐसे लोकल हीरोज की कहानी आने वाली है जिन्होंने जीरो से एम्पायर चालू किया और 10,000-20,000 करोड़ के लेवल पे आज जाके बैठे हैं। तो इस सीरीज के सेकंड वीडियो की शुरुआत करते हैं बालाजी वेफर्स और चंदू भाई वीरानी से। जिसकी नस नस में हो बिजनेस वो है गुजराती। तो एक कहानी चालू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव धोराजी से जो कि जामनगर के नजदीक है। यहाँ पे पोपट रामजी भाई वीरानी अपने 3 बेटों के साथ खेती किया करते थे, लेकिन वहां पे अकाल आया खराब मौसम की वजह से। जब फसल खराब हो गई उन्होंने कहा भैया आप खेती में कुछ बचा नहीं है, जमीन बेच के कुछ और काम करते हैं। तो 1972 में इन्होंने अपनी जमीन बेची और 20,000 रुपए मिले जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने कहा था कुछ बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो फार्म इक्विपमेंट, खाद बीज का काम करते हैं, हमें यही तो आता है। लेकिन उस समय इनके साथ थोड़ा धोखा हो गया, थोड़ा इनको बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, तो भैया वो पैसा तो वहीं खत्म हो गया। तो कहा भैया पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अब गांव में तो कुछ है ही नहीं, जमीन भी नहीं रही। तो ये पूरे परिवार समेत पहुंच गए राजकोट। उस समय चंदू भाई जी की उम्र थी मात्र 15 साल। जब एक भाई गुजरात पहुंचे तो उन्होंने एक मेस चालू की कि यार कॉलेज में बच्चों को खाना खिलाएंगे, लेकिन वो चीज भी नहीं चली, उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा मजबूरी में एक सिनेमा हॉल था एस्ट्रॉन सिनेमा, वहां पे चंदू भाई को गेटकीपर की नौकरी मिली और सब परिवार धीरे धीरे छोटी मोटी जॉब में वहीं सेटल हो गया। लाइफ और बिजनेस लेसन नंबर 1, पहले बिजनेस में, पहले व्यापार में जरूरी नहीं है आपको सफलता मिले। सोचो खेती करते थे, खेती नहीं चली, फिर इक्विपमेंट में आए, वो नहीं चला, मैस में आए, मैस नहीं चला, अब जॉब करने लग गए। 4 बिजनेस चेंज किए लेकिन अभी तक वेफर्स के आसपास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अंदर जो कमाने की आग थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वो मरी नहीं। तो जब भी जैसे मेरी व्यापारी TOCO की क्लास में या एडवांस कोर्स में जब मैं कहानियां सुनाता हूं कि देखो जी ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो सर CEO हैं, बड़े लोग हैं, ये तो कर लेते हैं, हम छोटे व्यापारी कैसे करें। ये जितने भी बड़े CEO है ना, ये कभी छोटे ही थे। आज मैं आपको बालाजी वेफर्स की कहानी सुनोगे, अब बोलोगे राहुल जी यार कहां 3000 करोड़ का ब्रांड है, हम क्या कंपेयर करें। भैया 3000 करोड़ का ब्रांड तो आज है, वो जब 80s में कुछ नहीं था, वहां से तो सीखो। अब आप सोच रहे होंगे राहुल जी वेफर सीन में कब आई यार, वो तो गेटकीपर है सिनेमा हॉल का। आपको याद है मेरे मनी कोर्स में मैं एक बात बताता हूं, जो जितनी वैल्यू देता है उसको उतना रिटर्न मिलता है। और कभी जिंदगी में ये मत कहना कि मेरा तो यही काम है, बस यही करूंगा। काम तो गेटकीपर का मिला था, लेकिन उसके साथ बोले यार पोस्टर चिपकाने, चिपका देगा
बोला हाँ मैं चिपका दूंगा। बोले टिकट चेक कर लेगा? बोला चेक कर लूंगा। और क्या काम करना है? जो जो छोटे मोटे जो जो काम बताते जाते थे वो सारे काम करता था, नखरे नहीं करता था कि ये नहीं करूं वो नहीं करूं। तो थिएटर के ओनर ने सोचा यार ये तो मेहनती लोग लग रहे हैं, एक काम करते हैं थिएटर की कैंटीन का ठेका इन्हीं को दे देते हैं। इनको मिल गया थिएटर की कैंटीन का ठेका। कैसे? इनकी मेहनत से, इनकी योग्यता से। अब थिएटर में भैया इंटरवल में क्या बेचे? तो इन्होंने कहा परिवार ने मसाला सैंडविच बना के बेचते हैं। मसाला सैंडविच बना के बेचा, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन भैया एक बार में 100 मसाला सैंडविच बनाए, मान लो 80 बिके, अब 20 जो नहीं बिके वो तो खराब हो जाएंगे। तो जो 80 का प्रॉफिट था वो तो 20 में चला जाएगा। तो इन्होंने कहा यार मसाला सैंडविच चलेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करें? वेफर्स का काम करते हैं, चिप्स का काम करते हैं। तो इन्होंने चिप्स का एक वेंडर ढूंढ लिया। अब वो वेंडर क्या भैया आने में लेट हो जाए, अब बताओ उसे सिनेमा हॉल में 15 मिनट का तो इंटरवल है। अगर 15 मिनट के दौरान वो नहीं आता और उसके लेट आया, इंटरवल गई, अब तो चिप्स बिकेगी नहीं, अब तो पड़ी रह जाएगी। तो एक वेंडर को चेंज किया, दूसरे को चेंज किया, तीसरे को चेंज किया। उन्होंने कहा यार वेफर में थोड़ा पैसा बच तो जाता है लेकिन वेंडर टाइम भी नहीं आता, एक काम करें खुद की बना ले। इन्होंने एक जगह किराए पे ली और चंदू भाई जी खुद अपने हाथ से चिप्स बनाते थे। तो जब आदमी हाथ से बनाता है तो ऑब्वियसली क्वालिटी मेंटेन होती है और उसको इतने लोगों को तो सर्व करना है और शुरुआत में तो प्रोडक्ट बढ़िया होना ही चाहिए। तो इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि वेफर्स और चिप्स आपकी हो गई सुपर डुपर हिट। यहां पे निकल के आता है लेसन नंबर 2। अगर आप वर्क हार्ड करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। कहते ना योग्यता से आदमी को स्थान मिलता है। अगर उसमें योग्यता थी, अगर उसको बनाया गेटकीपर पर, योग्यता उसमें ज्यादा की थी, अपने आप वहां तक पहुंच गया, लेकिन मेहनत की तो पहुंचाना। तो जब भी आसपास अपने ढूंढते रहो कहां अपॉर्चुनिटी है और जब मिले तो कूद जाओ। लेसन नंबर 3, डोंट बी रोतलू, रोया मत करो। जैसे अब उन्होंने कहा यार सैंडविच बना दिया, हमारा तो सैंडविच का काम है, अब सैंडविच मुनाफा नहीं हो रहा, रोने लग जाओ, रोए नहीं। कहा यार अब मुनाफा नहीं हो रहा क्या करें, कुछ और करते। चिप्स का काम किया, चिप्स का वेंडर टाइम पे नहीं आला, रोने लग जाओ, अरे वो टाइम पे ही नहीं आता, रोए नहीं, उपाय किया। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिजनेस में कोई चीज ठीक नहीं होती ना उसका उपाय नहीं करते, रोते सर जी एम्प्लॉय मिल ही नहीं रहे, रो रहे हैं। अरे तो नहीं मिले तो कुछ और कर। सर जी वो बंदा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, रो रहे हैं। अरे भाई साहब कुछ तो कर, रो मत, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ढूंढो। अब आपको क्या लगता है किसी ने एक छोटी सी जगह पे चिप्स बनाना चालू किया और उससे 3,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया? नहीं भैया, स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहली दिक्कत क्या आई? धीरे धीरे इनकी चिप्स जब पॉपुलर हुई तो हर आदमी को चिप्स खानी, और बनाने वाले तो चंदू भाई अकेले, तो भैया अकेला आदमी कितना कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा यार फैमिली में दूसरे भाई को बोला, परिवार की महिलाओं को बोला यार तुम बनाओ, लेकिन उनमें से किसी को चिप्स बनाना आता ही नहीं। तो बनाते टाइम तो किसी से नमक ज्यादा, किसी से नमक कम, किसी ने जला दी, किसी ने कच्ची छोड़ दी, बड़ी दिक्कत आई यार। लेकिन चंदू भाई ने कहा कोई बात नहीं, खराब हो रहा तो माल खराब होने दो, दो बार बनाओ, तीन बार गलत बनाओ, सीखो तो सही। और ऐसे करके धीरे धीरे परिवार में दो चार लोग और बनाना सीख गए, चंदू भाई फ्री हो गए। अब चंदू भाई फ्री हो गए तो चंदू भाई ने कहा एक ही कैंटीन में क्यों बेचना, दो तीन में बेचते हैं। तो आसपास के थिएटर में बात करी, 3 थिएटर में बात हो गई, वहां बेचना चालू किया। अब इन्होंने कहा 3 थिएटर भी क्यों बेचें, और आसपास के रिटेलर भी ढूंढ लेते हैं। तो साइकिल से दुकानों पे जाने लगे, वहां पे चिप्स बेचने लगे, फिर साइकिल से थोड़ी देर बाइक में आए, बाइक से थोड़ा और दूर जाके बेचने लग गए। तो धीरे धीरे काम थोड़ा फैल गया। अब जब 3 कैंटीन हो गई, 20-25 रिटेलर हो गए, तो इन्होंने कहा भैया अब तो घर वालों से भी बाहर नहीं पड़ेगी, मशीन लानी पड़ेगी। मशीन जब देखी तो अब भाई आलू काटने की, चिप्स बनाने की मशीन बहुत महंगी, बोले यार इतनी महंगी तो कौन करेगा। तो मशीन को बारीकी से समझा, बाजार से खुले पार्ट्स लेके आए, खुद ने मशीन बना ली और काम चालू कर दिया। इनकी एक फिलॉसफी है और आप नोट कर लो, उन्होंने कहा मशीन का इन्वेस्टमेंट हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार पैसा लगा दो, 24 घंटे बिना चिक चिक करे काम करती है मशीन। आदमी की चिक चिक है, आदमी के नखरे हैं, आदमी की चुट्टी है, मशीन की थोड़ी है। लेसन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, 3 बार बोल दिया, लर्न डेलीगेशन। अपना काम है ना छोड़ना सीखो दूसरों पे। अगर चंदू भाई कहते हैं नहीं चिप्स तो मेरे से बढ़िया बनती है, बाकी को दूंगा तो बिगाड़ देंगे, तो आज भी चिप्स की दुकान पे बैठे होते, तो कौन जानता चंदू भाई को। इन्होंने कहा नहीं, घर वालों को डेलीगेशन किया। जब घर वालों को डेलीगेशन किया, रोज के चिप्स बनाने के झंझट से मुक्त हुए, तभी तो बाजार गए, तभी तो काम फैलाया, तभी तो मशीन आई, तभी तो आइडिया आया। तो जब तक तुम दुकान पे गल्ले पे बैठे रहोगे, बैठे ही रह जाओगे मेरे दोस्त। डेलीगेशन करो, बंदों को किसी को डालो, पूरा बाजार आपके इंतजार में खड़ा है यार। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। देखो भाई साहब, मशीन इनके पास आ गई थी, प्रोडक्ट इनका था, कस्टमर इनके थे। अब कोई सामान्य आदमी होता तो खुश हो जाता, दिन की इतने किलो चिप्स बेच देते हैं, इतना प्रॉफिट आता है, दाल रोटी चल रही है, खा लिया पी लिया, मजा आ गए। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे ही हैं,
छोटी सी दुकानों पे दाल रोटी के लिए बैठे हैं। इन्होंने कहा दाल रोटी के लिए थोड़ी जिंदा कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और प्लान किया। तो मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने आपको एक्सपेंशन के चार तरीके बताए थे, वही तरीके इन्होंने काम में लिया। तरीका नंबर एक होता है आप जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करते हो, आप एरिया को बढ़ाते हो। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी होती है उनके पास तो पैसा भी ज्यादा आदमी भी ज्यादा, तो एक साथ पूरे इंडिया में एक साथ पांच स्टेट में कूद जाती है। इन्होंने कहा भैया आदमी भी कम है पैसा भी कम है, तो एक बार में एक किला बनाऊंगा, एक बार में एक मार्केट, पहले एक गली फिर दूसरी गली फिर 10 गली फिर 20 गली, तो धीरे धीरे मेरा किला बनाऊंगा और उसको मजबूत करूंगा। तो पहले धीरे धीरे उन्होंने पूरे गुजरात को कवर किया, गुजरात का 90% मार्केट शेयर इनके हाथ में, हर 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको बालाजी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद उससे अड़के राजस्थान था वहां गए, अड़के महाराष्ट्र था उसमें गए, गोवा में गए, मध्य प्रदेश में गए, उन चारों स्टेट में 70% से ज्यादा मार्केट में कब्जा कर लिया। और अब धीरे धीरे ये 11 से ज्यादा स्टेट में मौजूद है, 5 स्टेट में तो इनकी लीडरशिप है, बाकी 7 स्टेट में धीरे धीरे प्रेजेंस अब बढ़ा रहे हैं। लेसन नंबर 5, जो गाय जितना ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा चरेगी। एक गाय को खूंटे से बांध दिया, वो वहीं वहीं घूमती है तो उतना ही चरेगी। आप एक दुकान, छोटी सी दुकान, छोटा सा ऑफिस लेके छोटे से शहर की चार गली चार मोहल्ला ही सर करते रह जाओगे, भैया बाहर निकलना पड़ेगा, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन करो। सेकंड जो एक्सपेंशन होता है एरिया के बाद होता है प्रोडक्ट में एक्सपेंशन, कि सिर्फ चिप्स बेच बेच के थोड़ी गाड़ी चलेगी, जैसा देश वैसा भेष। अगर तुम पूरे गुजरात को कवर कर रहे हो या 4 स्टेट में कवर कर रहे हो तो हर राज्य के लोगों का अलग टेस्ट है, एक राज्य में भी अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट है, तो एक प्रोडक्ट से थोड़ी काम चलेगा। तो इन्होंने प्रोडक्ट को अलग अलग वैरायटी की, ये 23 तरह के नमकीन बेचने लगे, खट्टा मीठा फलाहारी नमकीन चना जोर गरम, फिर वेफर्स में भी 14 वैरायटी, भाई नमक वाले ले लो, मिर्ची वाले ले लो, नींबू वाले ले लो, बनाना वाले ले लो, पुदीना वाले ले लो, पेरी पेरी ले लो, जिसको जो फ्लेवर चाहिए ले लो। उसके अलावा वेस्टर्न स्नैक इनके पास 14 तरह के, भाई साहब नाचोस भी बेचते हैं, भाई साहब नूडल्स भी बेचते हैं, 50 से ज्यादा वैरायटी इनके प्रोडक्ट की अवेलेबल है बाजार में। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का अगर इनका कोई पैकेट जा रहा है तो उसमें 78% कॉस्ट रॉ मटेरियल की है, यानी 10 रुपए की चीज में 7.80 रुपए का माल लगा हुआ है, और इंडस्ट्री एवरेज क्या है 65%, यानी बाजार की तुलना में 13% ज्यादा माल देते हैं। अब आप बोलोगे राहुल जी 13% ज्यादा माल देते हैं तो प्रॉफिट कम होगा, नहीं, ये बाकी खर्चे खींच के 9-10% पे इन्होंने रोक दिए और 10-12% इनका मार्जिन है। आप बोलोगे राहुल जी 12% मार्जिन में चल जाता होगा। आप जितने भी लोगों ने मेरे साथ एडवांस कोर्स किया हुआ है या आपने व्यापार टिश्यू की क्लास अटेंड की, मैं क्या कहता हूं, मार्जिन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रोटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो बाकी जहां कंपनियों का रोटेशन 15 है, इनका रोटेशन 25 है, हर 15 दिन में माल बना के बिक जाता है पूरा का पूरा। यानी 1 करोड़ रुपए का अगर इनका माल है तो 1 करोड़ रुपए के माल से 25 करोड़ की सेल कर लेते हैं, इतनी बार उसको घुमा देते हैं। लेसन नंबर 6, इंडिया में किसी भी एरिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट हो सकता है उस गली में उस मोहल्ले में उस लोगों को पसंद आ रहा हो, पर जैसे एक्सपेंड करोगे अलग अलग वैरायटी करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट में इनोवेशन कंपलसरी है। एंड लेसन नंबर 7 इज मार्जिन से ज्यादा रोटेशन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा मार्जिन प्रोडक्ट में मार्जिन 50% है पर माल बिकने में 3 महीना लगता है तो उतना नहीं कमाओगे, लेकिन तुम्हारा मार्जिन मात्र 5% है पर डेली माल बिकता है तो ज्यादा कमा जाओगे। अब जैसा मैंने आपको वादा किया था कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एक बढ़िया चीज सिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। जब आप ऐसे क्राउडेड मार्केट में जाते हो, जब सब जने एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपकी यूएसपी होना बहुत जरूरी, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, और आप किस प्रकार से अपने कॉम्पिटिशन से अलग हो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी पहचान क्या थी, इनकी पहचान है कि इनके पास वेरायटी बहुत ज्यादा है, बाकी सबके पास कोई 5 फ्लेवर 8 फ्लेवर 10 फ्लेवर, इनके पास 50 से ज्यादा फ्लेवर है, ये इनकी ब्यूटी है। दूसरी बात, इनका प्राइस सस्ता है, मतलब जितने रुपए में लेस देता है उससे कम पैसे में दे देते हैं या उसी पैसे में लेस से ज्यादा सामान देते हैं, प्राइस कम करते हैं प्रोडक्ट ज्यादा देते हैं। और तीसरा, इनका जो मेन कॉम्पिटिशन है लेस, वो बदनाम किस चीज से है कि पैकेट में हवा आती है हवा आती है। तो इन्होंने अपना स्लोगन क्या बनाया पता है, हवा कम वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह, यानी हवा बोल के उसकी कंप्यूटर की भी ऐसी तैसी कर दी, वेफर ज्यादा बोल के खुद का प्रचार भी कर दिया और फ्लेवर्स खुद की यूएसपी भी दिखा दी और इसको जबरदस्त तरीके से मार्केट किया। ये 2 वीडियो देखो, ये ले बालाजी वेफर, हवा कम वेफर ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह। ये रात कैसे कटेगी? घबरा मत मोंटी, जब तक हमारे हाथ में ये मशाल है कोई भी भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गए ना हवा के शिकार, इसीलिए खाइए बालाजी देखो। अब जब इनकी इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही थी तो भैया पेप्सी की जलन होनी स्वाभाविक थी। पेप्सी ने इनपे केस कर दिया कि भैया तुम तो हमारा डिजाइन कॉपी करते हो, और हो सकता है इन्होंने किया भी होगा, भैया थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेप्सी के फेवर में फैसला दिया कि नहीं भैया बालाजी तुमने कॉपी तो किया है, तो इनको अपनी डिजाइन बदलनी पड़ी। पैकेट के डिजाइन से ही तो पहचान होती है, डिजाइन चेंज अब कौन पहचानेगा। बट भैया
डिजाइन से ज्यादा नाम से पहचान होती है। बालाजी सबको याद था, बालाजी दे दो, बालाजी दे दो। तो भैया डिजाइन बदलने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय जब इनकी सेल 1000 करोड़ के आसपास थी, बहुत सारे लोग इनको खरीदने के लिए भी आए। अब इन्होंने नाम तो नहीं बताया, पर जिस तरह से मुझे लग रहा है इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन पेप्सी है और उसी को इनसे खतरा है। तो उन्होंने 4000 करोड़ का इनको ऑफर दिया था, पर इन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गई। इन्होंने कहा मेरी कंपनी मेरे बच्चों के समान है और मैं मेरे बच्चे नहीं बेचता। अब आपके मन में सवाल होगा आखिर पेप्सी देता क्या है भैया? अरे लेज और कुरकुरे उसी के तो हैं। इनके एक्सपेंशन की एक और शानदार स्ट्रेटजी प्रोडक्शन कैपेसिटी। भैया जब तुम बनाओगे नहीं तो बेचोगे कैसे? तो 2003 से ये जब दुनिया हाथ से चिप्स बना रही थी, इन्होंने तब से मशीनें काम में ले रखी है और इनका मशीनों का जबरदस्त प्लांट है। आज की डेट में ये 800,000 किलो वेफर्स और 1,000,000 किलो नमकीन प्रतिदिन बना सकते हैं। इनके 4 प्लांट है, 3 गुजरात में है, 1 इंदौर में है, 1 यूपी में भी आ रहा है और एक है जिस जिस राज्य में हम घुसेंगे वहां वहां एक बड़ा प्लांट डालेंगे ताकि हमारा लॉजिस्टिक का खर्चा बचे और वहां पे हम लोगों को जल्दी से जल्दी सर्व कर सके। चंदू भाई जी का एक डायलॉग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा प्रॉफिट से बिजनेस नहीं आता, बिजनेस से प्रॉफिट आता है। तो तुम तो क्वालिटी अच्छी दो, प्राइस अच्छा दो, बिजनेस फैलता रहेगा तो प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा, जाएगा कहां? ये कहते हैं कि भैया हमारा कोई कंपनी का सेल्स का टारगेट नहीं है, हम ऐसी एफएमसीजी कंपनी है जो टारगेट नहीं देती कि इस महीने इतना करना नहीं किया तो ये कहते हैं हमको तो भैया ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जनता खाए और हमें उनका जनता का प्यार चाहिए, मार्केट शेयर नहीं चाहिए। बोलने की टेक्निक अच्छी है भैया, चाहिए तो सबको मार्केट शेयर ही, लेकिन बोलने का स्टाइल अच्छा लगा। तो भैया ये थी कहानी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पोटैटो वेफर कंपनी की। फर्स्ट तो ऑब्वियसली पेप्सिको लेज है क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे करते हैं, ये एक रीजनल प्लेयर है, पर ये वेस्टर्न मार्केट के सबसे बड़े रीजनल प्लेयर है। पिछले साल उन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया, 11 स्टेट में प्रेजेंस है, अभी तो इंडिया पूरा बाकी है, काफी कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी इन्होंने चालू कर दिया। पर जब बालाजी वेफर्स की जो कहानी है, मुझे लगता है अगले 10 साल में या 20 साल में ये एक नया हल्दीराम आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है कि छोटे व्यापारी को बड़ा बनने के लिए और आपको कुछ टिप्स देती है तो मुझे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि कोई भी एक बच्चा कोने में बैठा हो जिसको जॉब नहीं करनी हो पर वो कहता है बिजनेस करना है, शायद वो इंस्पायर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।